यमुना नदी में 3 दिन पहले 45 साल का रिकॉर्ड टूटने के बाद जलस्तर कम होना शुरू हुआ है। पुरानी दिल्ली में लोहे के पुल पर आज सुबह 6 बजे यमुना का जलस्तर 207.68 मीटर दर्ज किया गया है। यमुना के जलस्तर में कमी राहत की खबर है, लेकिन यमुना अभी भी खतरे के निशान से ऊपर ही है। दिल्ली के कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं। दिल्ली में यमुना के जलस्तर ने इस बार 1978 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिंग रोड की बात करें तो रिंग रोड पर यमुना का पानी आने की वजह से राजघाट, लाल किला, आईटीओ, सिविल लाइन समेत कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे रिंग रोड पर आवाजाही बंद हो गई थी। तो राजधानी की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और यहां पर यमुना के जलस्तर के बढ़ने की वजह से जो भी आसपास के रोड हैं वो पानी में डूबे हुए नजर आए। दिल्ली के आईटीओ और राजघाट पर अभी भी पानी भरा हुआ है। पानी भरा होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज 18 के संवाददाता सुशील पांडे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में जिस तरह यमुना का जलस्तर बढ़ा है उसकी वजह से आम जनमानस जो है उनकी आवाजाही पर भी गहरा असर पड़ा है। आप देख सकते हैं कि समय मैं दिल्ली के आईटीओ पर हूं और लगभग 48 घंटे से ज्यादा का समय फिलहाल बीत चुका है। 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी जो पानी है वो आईटीओ, राजघाट और इन तमाम जगह पर जस का तस बना हुआ है। तमाम लोग देखिए, ये लोग जो है वो ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। देखिए उन तमाम लोगों की जो गाड़ियां हैं वो खराब हो रही हैं। वजह है कि पानी का जलस्तर जिस तरह बढ़ा है उसकी वजह से तमाम लोग काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए सबसे ज्यादा जो ऑटोज हैं वो फिलहाल परेशान हो रहे हैं, लंबे समय से उनकी गाड़ियां खराब हो जा रही हैं और पानी से अपनी गाड़ी को बचाने के लिए उनकी तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। ये तीसरी या चौथी गाड़ी है, कहाँ खराब हो गई गाड़ी? लालबत्ती से आया हूँ। पूरा आगे भरा हुआ है पानी? हाँ, पूरा भरा हुआ है। तो फिर आप लोग और कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं ले रहे हैं पानी के रास्ते से ही निकलना? भैया पैसे से तो मिलता नहीं है, कम पैसे, अब लंबा चौड़ा घूमना पड़ता है, फायदा होता नहीं है कुछ। फायदा तो ऐसे गाड़ी खराब हो रही है, इससे दिक्कत? तो गलती हो गया, मैं घुस गया हूँ, गलती कर दिया। गलती हो गया। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? नई दिल्ली से आ रहे हैं। तो आप लोग को पता था कि दिल्ली में इस तरह बाढ़ आया हुआ? हाँ जी सर, जो पता था, लेकिन जो फिलहाल ड्राइवर जो इधर से रोड लगा दी सर। तो देखिए ये तमाम जो लोग हैं वो अपनी जीविका को चलाने के लिए फिलहाल रोजगार कर रहे हैं, लेकिन वजह यह है कि जिस तरह राजधानी दिल्ली में चारों तरफ पानी, उसकी वजह से ये फिलहाल एक बड़ा संकट है इन तमाम लोगों के लिए। कैमरामैन रविंदर के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। तो गाजियाबाद के लोनी में भी कई इलाके बाढ़ प्रभावित हैं। यमुना का पानी भरने से ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। घरों में पानी भरने की वजह से लोग दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। लोग सामान लेकर जाते दिखे। ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र की पूजा कॉलोनी से लेकर आसपास की कई कॉलोनियों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पानी भरने की वजह से इन इलाकों में कल शाम से ही बिजली आपूर्ति बाधित है। बिजली के अलावा लोगों के पास पीने के पानी और खाने की भी चीजें नहीं है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और सड़कों पर पानी सैलाब बनकर बह रहा है। कान्हा की नगरी मथुरा में यमुना नदी उफान पर दिख रही है। यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रयाग घाट पर यमुना खतरे के निशान पर है और 166 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा बह रही है। जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए गोकुल बैराज के सभी 21 गेट खोल दिए गए हैं और 92,000 क्यूसेक पानी को आगरा की ओर डाइवर्ट किया गया है। उधर खतरे के निशान पर पहुंचने से पहले ही यमुना ने कहर दिखाना शुरू कर दिया है। जलस्तर में बढ़ोतरी से वृंदावन, नौझील, मांट, छाता और शेरगढ़ के निचले इलाके पानी से जलमग्न हो गए हैं। निचले इलाकों के साथ घाट भी यमुना के पानी में डूब चुके हैं। बढ़ते जलस्तर को देखकर डीएम ने यमुना में नाव चलाने पर रोक लगा दी है और घाट और यमुना के पानी में लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। घाटों में अगले 24 घंटे के लिए कोई भी नाव का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही साथ नगर निगम के माध्यम से ये अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है, लोगों को जागरूक करा जा रहा है कि अगले 24 घंटों तक घाटों की तरफ ना आए। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, इन सबके घाटों पे आने पे पैर फिसल के तेज बहाव में
बहने का खतरा बना रहता है, इसीलिए पूरी टीम यहाँ पे अलर्ट भी है। खबर ललितपुर से है, जहां सीमावर्ती एमपी में हो रही भारी बारिश के चलते राजघाट बांध में जलस्तर बढ़ गया है। बांध के 10 गेट खोलकर 77,350 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। अगर ऐसे हालात रहे तो निचले इलाकों में बसे लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। बारिश के चलते बेतवा नदी उफान पर है और इस नदी पर बने राजघाट माता टीला बांध में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से निचले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश के चलते गाजियाबाद में बड़ा हादसा हो गया। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर कॉलोनी में मकान धाराशायी हो गया। इसके बलबे में 7 लोग दब गए, घायल में 3 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती किया है। बारिश की वजह से जर्जर 2 मंजिला मकान गिर गया और इस हादसे में उस वक्त मकान में मौजूद 7 लोग घायल हो गए हैं। मकान के मलबे में दबने से कई गोवंशों की जान भी चली गई है। लोनी बॉर्डर के अंबेडकर कॉलोनी में एक मकान गिर गया है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि मकान जर्जर अवस्था में थी, जो बारिश के कारण गिर गया है, जिसमें दबे लोगों को वहां के स्थानीय लोगों और पुलिस द्वारा निकाला गया और जीटीबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सर, कितने लोग उसमें दबे थे, कितनी महिलाएं थी, कितने बच्चे? उसमें 3 बच्चे और 4 महिलाएं थी, जिनकी स्थिति इस समय जीटीबी हॉस्पिटल में सामान्य है।